नमस्कार मित्रों, आज हम पहुंचे पाथरडी तालुका अहमदनगर जिला वैजू बाबल गांव और श्याम लोकरे इनके कुएं में एक रेड सैंड बोआ जिसे हम दो मुहा सांप नाम से जानते हैं, जिसके बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ अफवाह हम बाहर निकलने के बाद आपको उस सांप के बारे में जानकारी देंगे। और दोस्तों यहाँ पर माजी सरपंच संतोष घोरपड़े भी हमारे साथ है, अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ये भी हमारा साथ देंगे। इसको बाहर निकालकर हम यहाँ पर तीसगांव में जो फॉरेस्ट ऑफिस है उनके पास ये देकर शाम को उनके हाथ से रिलीज कर देंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये ना हो जी, ये बंदा बनाएगा, ये नहीं
दोस्तों आप देख सकते कि रेड सैंड बोआ, जिसे महाराष्ट्र में मांडोल नाम से जानते हैं, इंग्लिश में रेड सैंड बोआ, इंग्लिश में रेड सैंड बोआ और हिंदी में दो मुंह सांप, इसको दो मुंह होते नहीं, कई वीडियो में हमने बताया है। तो आप देख सकते हैं इसका ये मुंह है जो अंदर अभी छुपा रहा है। काफ़ी शर्मिला सांप होता है और काफ़ी शांत स्वभाव का ये सांप होता है और इसका पूंछ है। मुंह और पूंछ समान दिखने के कारण लोग क्या कहते हैं, शायद ये दो मुंह सांप हो। अभी इस कुएं में रहने के कारण काफ़ी वीक हो चुका है, अगर कुछ दिन और इसमें रहता तो ये इसी में मर जाता। दोस्तों इस सांप के बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ है कि ये 4-5 किलो का हो जाए तो लाखों करोड़ों में बिकता है, ऐसा कुछ नहीं, ये बस अंधविश्वास है। बहुत सारे अंधविश्वास सांपों के बारे में है, अगर आपको इस बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इन सांपों के बारे में हमने जो रेस्क्यू वीडियो बनाए वो आपको मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो। तो अभी इसको हम फॉरेस्ट ऑफिस ले जाएंगे और शाम को उन फॉरेस्ट ऑफिस में जो भी फॉरेस्टर है इसको रिलीज़ करेंगे। दोस्तों फिर एक बार विनती करता हूँ, ऐसा सांप अगर दिखाई देता है तो आप नज़दीकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग से कांटेक्ट करिए या फिर हमारे जैसे जो रेस्क्यूर है सांपों को बचाने का काम करते हैं उनको फ़ोन करिए। और ऐसा ही सांप नहीं, कोई और भी सांप हो तो उनको मारिए मत, सांपों को बचाए रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक सांप जो सांप है पर्यावरण का एक हिस्सा है, इसलिए हमें सांपों को नहीं मारना है। अभी इस सांप को हम ये अभी कड़ी धूप है तो अभी रिलीज़ नहीं करेंगे, रात में ये किसी खेत में इसको रिलीज़ करने वाले हैं। Thank you.